दोस्तों केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के लिए काफ़ी सारी अपडेट्स दिन भर में बाहर निकल कर आती रहती है, बट आज के वीडियो में हम अपडेट से थोड़ा हटकर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के ऊपर बात करने वाले हैं टीम केकेआर के लिए। तो क्या होगा वो एस्पेक्ट आप ऑलरेडी यहाँ पर थंबनेल और टॉपिक से जान ही चुके होंगे। तो आइए डिस्कशन करते हैं हम टीम केकेआर के कि क्या टीम केकेआर आईपीएल 2024 की एक बहुत ही यहाँ पर डेंजरस टीम है, खास तौर पर इन टर्म्स ऑफ फिनिशिंग, क्योंकि यहाँ पर बहुत पावरफुल यहाँ पर हमें पावरफुल फिनिशर्स देखने को मिलेंगे, और क्या ड्रॉबैक्स और क्या बेनिफिट्स हमें टीम केकेआर के खासतौर पर फिनिशिंग को लेकर देखने को मिलने वाले हैं, आज की वीडियो का टॉपिक और डिस्कशन इसी के ऊपर होने वाला है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नीचे टेलीग्राम का लिंक है, आपको सभी अपडेट्स वहां मिलेंगी सोर्स के साथ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो बेल आइकन ऑन के साथ, वीडियो को लाइक और शेयर ये तो बनता ही है। अब इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें ना तो टीम केकेआर के अभी जो दोनों फिनिशर्स हैं ना, अब दोनों फिनिशर्स से आप बहुत जल्दी समझ गए होंगे कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आंद्रे रसल और रिंकू सिंह की। अब दोनों के पास यहाँ पर इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, पिछले साल तक रिंकू सिंह के पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस नहीं था, वो खेल अच्छा रहे थे बट टीम इंडिया में डेब्यू के बाद वो और यहाँ पर दोस्तों कहते हैं ना यार पोकेमोन यहाँ पर पिकाचू रायचू बन चुका है, तो वैसा ही यहां पर दोस्तों जो रिंकू सिंह है ना उनकी कुछ परफॉर्मेंस रही है। बट अगर रीसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो आंद्रे रसल बैटिंग के साथ भी अच्छा कर रहे हैं आईएल टी20 में एडीकेआर के लिए, कभी वो 17-18 गेंदों पर 40 रन करते हैं तो कभी बॉलिंग में भी 2-3 विकेट ले लेते हैं, बट उनकी जो परफॉर्मेंस है ना वो अभी बैटिंग में कंसिस्टेंट है, बॉलिंग के अंदर थोड़ी ऊपर नीचे हो रही है। बट वहीं रिंकू सिंह टी20 के अंदर तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करके आए थे, बट रिसेंटली अभी उन्होंने टेस्ट का वार्म अप खेला था इंग्लैंड लायंस के खिलाफ जहां दोनों ही इनिंग्स के अंदर उन्होंने 0 बनाए थे। बट हम जानते हैं कि रिंकू सिंह अभी टेस्ट और ओडीआई जो फॉर्मेट है उसमें थोड़ा बहुत अपने आप को ढाल रहे हैं, बट हाँ टी20 के तो यार रिंकू किंकू हैं। तो बात करें ना तो टीम केकेआर के पास ये जो दो प्लेयर है ना ये बहुत ज्यादा यहां पर ओपी परफॉर्मेंस दिखाने वाले हैं। अब इनके साथ दोस्तों हमें टीम केकेआर में या तो नीचे केएस भरत या फिर हमें रमनदीप सिंह देखने को मिलेंगे, जो भी यहां पर अगर गुरबाज खेलेंगे तो नीचे आपको रमनदीप सिंह दिखेंगे, रॉय खेलेंगे तो नीचे केएस भरत दिखेंगे। बट हां दोस्तों आपको इनके साथ साथ सुनील नारायण और मिचेल स्टार्क वो भी लंबे लंबे हिट्स मार सकते हैं, वो देखने को मिलेंगे। और टॉप ऑर्डर तो आप ऑलरेडी जानते हो, वेंकटेश अय्यर, नीतीश राणा, श्रेयस अय्यर, ये सारे खिलाड़ी हमें टीम केकेआर की तरफ से देखने को मिलने वाले हैं। तो टू बी ऑनेस्ट रिंकू सिंह और आंद्रे रसल की ये जो फिनिशिंग टच वाली जोड़ी है ना, अगर ये परफॉर्मेंस करने वाली आती है तो आप भूल चुके होंगे या नहीं भूले होंगे मोहम्मद सिराज के सामने यहां पर दोस्तों बात करें तो आंद्रे रसल, और अब तो यहां पर यश दयाल के सामने रिंकू सिंह होने वाले हैं, तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आने वाली है। आप कमेंट करके जरूर बताओ कि आप टीम केकेआर के जो दो बेस्ट फिनिशर्स है ना आप इनको 10 में से कितना रेट करोगे, ऐसे और कौन से टॉपिक के ऊपर आप वीडियो देखना चाहोगे तो प्लीज उसको नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना।